पाठः एट क्लास संस्कृत ओहम वर्चा अस्मि अहम ओर्चा अस्मि। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। अहम ओर्चा अस्मि, ठीक है, मैं ओर्चा हूँ। मैं ओर्चा हूँ के बारे में जानेंगे। अहम ओर्चा, मैं ओर्चा हूँ। अहम टीकमगढ़ स्थित प्राचीन नगर अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल स्थित प्राचीन नगर हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि मैं टीकमगढ़ मंडल स्थित प्राचीन नगर में हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य पुराण मम परिचय असित, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मम स्थापना षोड़शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्रपातेन कृतः। क्या बोल रहे हैं कि मेरा परिचय था, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्रपताय द्वारा, बुंदेल राजपूत रुद्रपताय द्वारा माम परितः शग्नम वनम अस्ति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मेरे चारों ओर घना जंगल है। अस्मिन वने सागौन वृक्षा अधिक, इस जंगल में लगाने से पेड़ अधिक होते हैं। इस जंगल में अगर अपन पेड़ लगाते हैं तो अधिक होते हैं। सागौन कष्ट बहुमूल्य भौती, ठीक है, क्या बोले, सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। मम वने सिंहा व्याघ्र हरिणा, ठीक है, इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं और सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है और यहाँ पर शेर हिरण वगैरह जो जानवर रहते हैं वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस जंगल में शेर, चीत, हिरण, नीलगाय और बंदर, ठीक है, शेर, नीलगाय, बंदर, ये सभी जानवर अच्छी तरह ज़्यादा पाए जाते हैं। नीलगांव वरना स्वच्छ विचरंती, ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अन्य अपि वन्य पशव निर्भया वसती, अन्य अपि वन्य सप निर्भया भवती वसंती, ठीक है, और भी जंगली पशु बिना भय रहते हैं। ठीक है, और भी जो जानवर रहते हैं वो बिना डर के यहाँ पर जंगल में निवास करते हैं। एतेषा वन्य पशुना रक्षणाय शासनेन इंद्रियम अभयारण्यम निर्मत, ठीक है, इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए, जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्यम का निर्माण कर दिया है। ठीक है, जंगली पशुओं की रक्षा करने के लिए सरकार ने एक उनके लिए अभयारण्य निर्माण कर दिया गया है। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि टीकमगढ़ मंडल बहुत प्राचीन नगर है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जंगल है जहाँ पर जानवर बिना भय के रहते हैं और बिना डर के रहते हैं। वो सरकार ने वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए अभयारण्य का निर्माण कर दिया गया है और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी जो कि बुंदेल राजपूत प्रताप द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, परितः। परितः मीन्स क्या होता है, चारों ओर। चारों ओर को संस्कृत में बोलते हैं परितः। नेक्स्ट देखते हैं गवाक्षेषु। गवाक्षेषु को हिंदी में बोलते हैं खिड़कियों में और संस्कृत में बोलते हैं गवाक्षेषु। नेक्स्ट देखते हैं संगमः। संगमम को बोलते हैं नदियों के पारस्परिक मिलन स्थल। नेक्स्ट देखते हैं वन्य पशवः को मीनिंग आ जाएगी जंगली पशु विदग्धाया। नेक्स्ट देखते हैं दुर्ग। दुर्ग आ जाएगा किला।
भाती, भाती का जगह शुभ शुभित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें यहाँ पर एक पद में उत्तर राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति, वर्षा नगरे कस्मिन मंडले अस्ति, वर्षा नगर किस मंडल में है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा टीकमगढ़ मंडले, वर्षा नगर टीकमगढ़ मंडल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा नगर से स्थापना कदा अभवत, वर्षा नगर की स्थापना कब हुई, वर्षा नगर की स्थापना कब हुई, इसका आंसर आ जाएगा 16 शताब्दी, ठीक है। 16वीं शताब्दी को वर्षा नगर की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरछा नगर से स्थापना केन कृता, ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा रुद्र प्रतापेन, रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा नगर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्पान स्थलम कुत्र वर्तते, विस्पान स्थल कहाँ है, विस्पान स्थल कहाँ है, इसका आंसर आ जाएगा राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्पानम कह कुत कृतवान, विस्पान किसने किया, विस्पान किसने किया, इसका आंसर आ जाएगा हरदौल ने, विस्पान हरदौल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरछा नगरम परिता किम, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, तो आंसर आ जाएगा वनम, वर्षा नगर के चारों ओर जंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, हमें यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर को राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में, वर्षा नगर से परिक्षेत्र से प्रमुख नदीनाम नमामि लिखत, वर्षा नगर के परिक्षेत्र में प्रमुख नदियां के नाम लिखो, हमें यहाँ पर वर्षा नगर के परिक्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम राइट करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा धसान जामिनी जतारा बैत, ठीक है, धनास जामिनी जतारा और बैतवा, ठीक, ये निम्नलिखित नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, किले की क्या विशेषता है, किले की क्या विशेषताएं हैं, इसका आंसर आ जाएगा दरबार भवनम शिष भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम, दरबार भवन और शिष भवन किले की विशेषताएं हैं, ठीक है। दरबार भवन और शिष भवन किले की विशेषता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थान कुत्र अस्ति, प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है, प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है, इसका आंसर आएगा उद्यानस्य नातीरे अस्ति, ठीक है, उद्यान के पास है, कहाँ पर है, उद्यान के पास। नेक्स्ट देखते हैं, ओरछा नगरे कानी दृष्टिवान स्थलानि सन्ति, वर्षा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल है, वर्षा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल है, इसका आंसर आ जाएगा ओरछा नगर से लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवनम, ठीक है, वर्षा नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फल बाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन आदि स्मारक देखने योग्य स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित मिले, ठीक है, हमें यहाँ पर मैच करना है, टू कॉलम से दिए गए हैं, अ एंड ब, दोनों को मैच करना है। वर्षा नगर से परिक्षेत्र, वर्षा नगर परिक्षेत्र का आंसर आ जाएगा चतस्त्र नद, चतस्त्र नद संति। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह अवसरे महिला, विवाह अवसरे महिला, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तम प्रथम पूजयंती। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम्, प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम्, इसका आंसर आ जाएगा अद्भुतम भाति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जुझार सिंहस्त प्रिय अनुजः, जुझा सिंहस्त प्रिय अर्जुन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हरदौल असित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
सर्वाधिकम निर्माण कार्य, सर्वाधिकम निर्माण कार्य है, इसका करेक्ट आंसर आएगा महाराज वीर सिंह प्रथमदश शासने अभवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित पदेनाम रिक्त स्थानम पूरयेत। ठीक है, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो ब्रैकेट में वर्ड गिवन है उन्हें हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या दिया गया है, विष्पान स्थलम डैश डैश वर्तते, विष्पान स्थलम डैश डैश वर्तते, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उद्यान से मध्य मंदिर से। ठीक है, उद्यान से। नेक्स्ट देखते हैं, दरबार भवनम, दरभा भवन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दरभा भवन डैश डैश अस्ति, इसका आ जाएगा दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, केशवदास डैश डैश कवि असित, इसका करेक्ट आंसर आएगा हिंदी भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा नगर से इतिहास डैश डैश अस्ति, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रोचक। नेक्स्ट देखते हैं, जामिनाधा तीरे डैश डैश अधिका भवंती, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जम्बू रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीचीनम चिनोति आम्ना। ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है उसके सामने आम राइट करना है और जो रॉन्ग है उसमें ना लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या दिया है, ओरछा नगर दुर्गा शुद्धम कलात्मक च नास्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा च नास्ति, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा न। नेक्स्ट देखते हैं, अभयारण्य वन्य पशुना रक्षणा भवति, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आम। नेक्स्ट देखते हैं, ओरछा नगरे भित्तुकाशु मनोहरिण चित्रण वर्तन्ते, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आम। नेक्स्ट देखते हैं, ओरछा नगर से निकटे समधारा सन्ति, ठीक, ओरछा नगर के निकट में समधारा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आम। नेक्स्ट देखते हैं, राम राज्य मंदिर है, पशुराम जस्य प्रतिमा अस्ति, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा न।